चलिए अब तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है केमिकल्स इन फूड, मतलब हमारे खाद्य पदार्थों में केमिकल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है और वो किस तरह से इनको सुरक्षित रखने के लिए यूजफुल होते हैं। इस सब चीजों की स्टडी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो चलिए CV1 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम फूड एडिटिव्स की बात करें तो फूड एडिटिव्स वे केमिकल्स होते हैं जो कि फूड के अंदर ऐड किए जाते हैं, और इनका एडिशन फूड को प्रिजर्व रखने के लिए तथा उनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू एडिशन करने के लिए और उनकी अपील को एनहेंस करने के लिए किया जाता है। फूड एडिटिव्स की काफी कैटेगरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल फूड कलर्स, फ्लेवर्स, स्वीटनर्स, फैट इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, फ्लेवर इम्प्रूवर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड न्यूट्रिशियल सप्लीमेंट्स। इन सभी में से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को छोड़कर कोई सा भी एडिटिव हमारे फूड्स में कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐड नहीं करता है, यानी कि केवल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ही हमारे फूड्स में न्यूट्रिटिव वैल्यू का एडिशन करते हैं, और बाकी सभी एडिटिव्स हमारे फूड्स की लाइफ को लंबा बनाते हैं और कॉस्मेटिक पर्पस से यूज में किए जाते हैं। इन सभी एडिटिव्स में से आगे इस चैप्टर के अंदर हम केवल स्वीटनर्स और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में। जो हमारे स्वीटनर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं नेचुरल स्वीटनर्स और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नेचुरल स्वीटनर्स में आते हैं सुक्रोस, ग्लूकोस और माल्टोस। इनको जब हम फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में कैलोरीज ऐड करते हैं, जबकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर आते हैं एस्पार्टिम, सैकेरिन, सुक्रेलोस एंड एलिटाम। और जब हम इनको फूड प्रोडक्ट्स के साथ लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में कैलोरीज का एडिशन नहीं करते हैं, इसीलिए यह डायबिटिक पर्सन के लिए एक ग्रेट वैल्यू ऐड करते हैं। अब इन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स में अगर हम सबसे पहले एस्पार्टिम की बात करें तो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर आप यहां देख सकते हैं। यह केन सुगर से लगभग 100 गुना ज्यादा स्वीट होता है। इसका यूज हम मोस्टली कोल्ड फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में करते हैं, क्योंकि यह कुकिंग टेम्परेचर पर काफी अनस्टेबल होता है। दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट सैकरिन की स्ट्रक्चर आप यहां देख सकते हैं। यह भी केन सुगर से लगभग 550 गुना ज्यादा स्वीट होता है, और यह पूरी तरह से इनर्ट तथा हार्मलेस होता है, इसीलिए यह डायबिटिक पर्संस के लिए एक ग्रेट वैल्यू ऐड करता है। इसी तरह से सुक्रलोस की केमिकल स्ट्रक्चर यहां दिखाई गई है। यह सुक्रोस का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कुकिंग टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है, इसीलिए इसका यूज कोल्ड फूड के साथ साथ हॉट फूड्स में भी किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर हम एलिटेम की बात करें तो यह एस्पार्टेम से भी ज्यादा स्टेबल होता है। इसका बस एक डिसएडवांटेज यह है कि इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है।